कांगड़ा जिला के राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नूरपुर में हिमवीर जागृति मंच द्वारा वीर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल में लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह के नाम की पट्टिका लगाई गई। समारोह में पाठशाला के प्रधानाचार्य अनिल ठाकुर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अनिल ठाकुर ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह ने देश के लिए कई युद्ध लड़े व कई सम्मान भी प्राप्त किए। उन्होंने कहा कि विद्यालय में उनके नाम की लगाई गई पट्टिका यहाँ के बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। कमान सिंह जी वीरों के वीर थे, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और बहुत सारे ऑनर्स भी प्राप्त किए हैं। उनको महावीर चक्र भी मिला हुआ है और उनके लिए उनके सम्मान में एक पट्टिका आज यहाँ लगाई गई है। उस पट्टिका को देखकर बच्चे हमेशा उत्साहित होते रहेंगे, प्रोत्साहित होते रहेंगे और आगे देश सेवा के लिए वो भी तत्पर रहेंगे। तो मेरी बच्चों से उम्मीद है कि वो आगे जाके देश सेवा के लिए या तो भारतीय सेना या फिर अर्धसैनिक बलों में जाने की कोशिश करेंगे। हिमवीर जागृति मंच के अध्यक्ष रमेश सिंह ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह योद्धा रहे हैं और उनके शौर्य की अनेकों गाथाएं रही हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय के बच्चों को इनकी गाथाएं बताने के साथ साथ उनके द्वारा देश के युद्धों में दिए योगदान को परिचित करवाने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कमान सिंह जी के सम्मान में ये समारोह रखा है। कमान सिंह जी इस विद्यालय में पढ़े हैं, तब ये प्राइमरी विद्यालय हुआ करता था और जैसा कि हमारी प्रथा रही है कि हम उसी विद्यालय में कार्यक्रम करते हैं, यहाँ वो वीर पुरुष पढ़ा। कमान सिंह जी की बहुत कहानियाँ हैं, उनको वीरों का वीर कहा जाता है। तो इन्होंने कोई एक ऑपरेशन में या दो ऑपरेशन में ही वीरता नहीं दिखाई, एक बचपन से ही बहुत वीर थे।